ये देखिए, वो जो केले का पेड़ होता है ना, उसका अंदर से ये वाला चीज निकलती है। आज इसका करी बनेगा और इसे काट रहे हैं मम्मी और गेलू बैठ के, और ये सब वो सजा रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 9:30। बस अभी मैं जस्ट उठा हूँ, क्योंकि कल का बहुत थोड़ा काम था, तो इसलिए रात लेट सोने में थोड़ा लेट हो गई, तो इसलिए आज थोड़ा लेट में उठी। तो देखते हैं सारे लोग क्या कर रहे हैं, और भाभी कुछ तैयारी में लगी है, और मम्मी जी बाहर गए थे कुछ केले का कुछ सामान लेके आया है, उसे दोपहर में कुछ खास करी बनेगा, तो इसलिए दिखाता हूँ आप लोगों को वो क्या करी बनेगा दोपहर को। चलिए देखते हैं। आज दोपहर में बनेगा बनाना स्टिक की करी। मम्मी जी बाहर गई थी, वो बनाना स्टिक लेके आए। ये देखिए, वो जो केले का पेड़ होता है ना, उसका अंदर से ये वाला चीज निकलती है। आज इसका करी बनेगा और इसे काट रहे हैं मम्मी और गेलू बैठ के, और ये सब वो सजा रहा है। आज बनेगा केले का पेड़ का करी, बस खाएंगे आज। ये देखिए दोनों भाई कैसे हो रहे हैं। इसे तो भाभी ने बांध दिया, साड़ी से बांध दिया छोटे वाले को, ज्योति को बांध दिया। मुझे कितना कसरत कर रहा है। आज दोपहर में बनेगा केले का पेड़ की करी। ये जो चीज है, ये केले का पेड़ का अंदर का चीज है, इसे खाते हैं। और आज दोपहर में इसका करी बनेगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोग खाते हो कि नहीं। इसे काटने के बाद भाभी जी लेके जा रहे हैं तालाब में धोने के लिए, और एकदम साफ सुथरा करके लाएंगे फिर बनाएंगे। भात बना रहे हैं। भात तो हो चुकी है। बस उसके बाद में बनाएंगे
ये वाला रेसिपी आज बनेगा एकदम खास चीज। खाएंगे दोपहर में, टेस्ट करेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। चलिए अब थोड़ा हमारा गाय लाने के लिए जाते हैं। और हमारा गाय जो है वो खेत के पास बांधा हुआ है और वहाँ पर वो घास खा रहे हैं। चलिए चलते हैं लेके आते। देखिए कितना ज़्यादा धूप आई है आज। बस अब जाना है गाय लाने के लिए। गाय हमारा जो है वो तालाब के पास, खेत के पास बांधा हुआ है। चलिए चलते हैं लाने के लिए। गल्लू भी साथ में आ रहा है, ये देखिए। चलिए पापा, पापा तो छाव में बैठ। गेलू को मैं बोला कि छाव में बैठने के लिए, लेकिन वो नहीं बैठ रहा है, वो बोला कि मेरे साथ जाएगा। चलिए चलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप आई है। गेलू तो आगे आगे भाग रही है। फाइनली पहुंच चुका हूं गाय के पास, लेके चलते हैं जल्दी। दोपहर में बनेगा बनाना स्टिक की करी, एकदम बढ़िया बनती है। और ये जो रेसिपी है हमारे घर में कभी कभी बनती रहती है, और ये बहुत दिन के बाद आज बन रही है बनाना स्टिक की करी। खाएंगे राइस के साथ, राइस और बनाना स्टिक की करी मस्त लगती है, बहुत बढ़िया टेस्ट भी लगती है।
फाइनली हमारा बनाना स्टिक का करी बन के रेडी। चलिए नहा धो के रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं और खाते हैं लंच। लंच में खाएंगे बनाना स्टिक के करी के साथ राइस, मस्त खाएंगे। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों कैसे खाते हैं हमारा गांव के लोग। फाइनली बनाना स्टिक बन के रेडी, बनाना स्टिक के करी बन के रेडी। देखिए कितना सुंदर बनी है, मस्त बनी है। चलिए खाते हैं लंच में, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। चलिए खाएंगे। सारे लोग तो खा चुके हैं, बस अभी गेलू और मैं खाएंगे। फाइनली खाएंगे अभी राइस के साथ बनाना स्टिक की करी। चलिए खाते हैं। फिलहाल अभी शाम को 4 बज रहा है, गेलू कर रहा है पढ़ाई। अभी आएंगे उसका सर, आएंगे ट्यूशन सर, इसलिए वो बैठ के हस्ताक्षर लिख रहा है। यहाँ पे जति बापा है इता। ये दोनों तो खेल रहे हैं गाड़ी में बैठ के। पापा टाटा कर दे, टाटा दे। बस अभी टाइम हो रहा है 5:30। बस यहाँ पर जति खा रहा है। देखिए जति को जोर से भूख लगी थी और उसको भाभी ने खिला रहा है। ये देखिए, बस अभी जाएंगे थोड़ा तालाब में खाना डालने के लिए, क्योंकि दोपहर को मैंने खाना नहीं डाला था, तो अभी अभी डाल देंगे थोड़ा बहुत। चलिए चलते हैं तालाब के पास। ये देखिए मछलियों के लिए खाना लेके चलते हैं अभी। बस आप देखोगे मछली एकदम बड़ा बड़ा हो गए हैं और मैं जब पहुंच जाऊंगा ना तालाब के पास, मछली देखोगे कैसे होंगे, एकदम उतावला हो जाएंगे खाने के लिए। ये देखिए एकदम कोई नहीं, लेकिन मैं पहुंच चुका हूं। ये देखिए कैसे हो रहे हैं मछली वो खाने के लिए, उनको पता चल गया है खाना आ गया है। ये देखिए कैसे हो रहे हैं, वाह वो खाने के लिए एकदम उतावला हो रहे हैं। चलिए डालते हैं खाना। ये देखिए देखिए कैसे खा रहे हैं, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया मछली। कैसे खा रहे हैं, ना ना देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गए सारे मछली। चलिए खाना तो डाल दिए हैं, अब चलते हैं। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है रात को 10:30।
बस डिनर करते हैं, डिनर में बनी है रोटी और हरी सब्जी, खाते हैं मस्त और एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।